कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है और उस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, आज सभी लोगों ने कल्याण सिंह जी को याद किया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? आज यहाँ बाबूजी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पे यहाँ पे हम सब लोग, प्रदेश भर से लोग एकत्रित हुए हैं। हिंदू गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया गया है। आज हम सब लोगों ने फिर से आज इस कार्यक्रम में एक बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर के प्रदेश भर से लोगों ने एक संदेश देने का काम किया है कि आज भी जो बाबूजी ने जिन पद चिन्हों पर चल करके लोगों की सेवा करने का मार्ग हम सब लोगों के लिए प्रशस्त किया था, आज भी उन्हीं के बनाए हुए मार्ग पे हम अपने प्रदेश के और देश के लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाबूजी का जो नारा था कि दबे, कुचले, वंचित, पीड़ित सभी लोगों को समाज में न्याय दिलाने के लिए, उनको उचित स्थान दिलाने के लिए हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों को, जितने भी हमारे ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी असहाय महसूस करते हैं, हम उन सभी वर्गों को साथ में उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, एक बड़ा संदेश दिया है कि हिंदू आज भी इस देश का एकजुट है। ये हिंदू गौरव दिवस के रूप में हमने ये संदेश दिया है और निरंतर सेवा भाव के साथ, करुणा भाव के साथ जो बाबूजी ने हम सब लोगों को सिखाया, हमारा संगठन, हमारी पार्टी जो हम लोगों को सिखाया है, उसी भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक सवाल और था, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले आंदोलन कर रहे हैं, उन पर निर्णय कब तक सरकार लेने वाली है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अभी कोर्ट ने भी हम लोगों को समय दिया है, 3 माह का समय दिया है। 3 माह के अंदर ही जो कोर्ट ने समय तय किया है, हम सब लोग उस पर कोई ना कोई फैसला, निर्णय लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी सरकार ने अपना मत पहले से ही साफ कर दिया है कि हम सब लोग जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन हैं और हाईकोर्ट का जो भी निर्णय है, उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं और उसका पालन करेंगे। सर, 24 घंटे के अंदर कोई निर्णय होने वाला, ऐसी चर्चाएं बहुत तेजी से चल, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैंने फिर से कहा आपको कि कोर्ट ने 3 महीने का समय सरकार के लिए तय किया है कि हम कोई भी उस पर निर्णय लें, एक सूची दोबारा से बना करके जारी की जाए, और मुझे नहीं लगता है कि अधिक कुछ इसके ऊपर हम सब लोगों को बोलना अभी उचित होगा। बाकी हम सब लोग सबको साथ में लेकर के प्रदेश के हर एक युवा के भविष्य को हम सब लोग सुरक्षित रखने की दृष्टि से हम सब लोग काम कर रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार में सारी बातें उन्होंने साफ तौर पर कही हैं और इस बात का जिक्र किया है कि जो भी कोर्ट ने हमको 3 महीने का वक्त दिया है, उसमें हम लोग जो है वो सभी लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।